खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। जो हमारे प्रभु आराध्य हैं श्री राम जी, उन्हें भी भोग लग चुका है। हम नियत समय पे हमारे सभी कार्य करते चले जा रहे हैं और आपसे भी आग्रह है कि जो भी परिवार आपके आने वाले हैं उन्हें भी आप आग्रह ग्रहण करें, अगर कहीं लाइन लगी है तो अव्यवस्थाओं से बचने के लिए इंतजार करें, लाइन में जो है धक्का मुक्की ना करें। हमारे सभी भैया बढ़िया देख रहे, अपने बात सुनो, अपने को तो यहाँ पे जो जाएंगे ना उनको दिखाना, दर्शन कराना है। बताइए, आज विशेष रूप से दो दिवसीय आयोजन में आज विशेष क्या आयोजन रहा आपका? पिछले दो दिनों से हम यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने 13 तारीख को सुबह मातृशक्तियों का सम्मान किया था, जो 63 की आयु जो मातृशक्तियाँ हैं, जो परिवार संतरे जी, उनका सम्मान किया था। शाम को हमने 5 बजे से टैलेंट प्रतियोगिता, जो बच्चों में टैलेंट होते हैं उनको मंच दिया था, जिसमें 150 बच्चों ने करीब अपने टैलेंट की प्रतिभा दिखाई, सभी को हमने सम्मानित किया था। आज सुबह हमने श्री राम मंदिर पिंजरा बाखल, जो कि हमारा मोमडन क्षेत्र में है, जो विगत 100 साल पुराना है, वहाँ पर हमने राम जी की आरती करी थी। दोपहर 1 बजे करीब लगभग हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी की यात्रा निकाली 71 नंबर एक्सएम नरेंद्र जी राठौर के यहाँ से, जो कि जिसका समापन हमने यहाँ दस्तूर गार्डन पर किए हैं। और अब हमने अभी खाटू श्याम जी का दरबार सजाया है और राधा रानी की आरती और श्री गणेश जी की आरती करने का प्रारंभ, आरती प्रारंभ करने का भजन का आयोजन रखा गया। इसके बाद अन्नकूट का सभी समाजजनों को लाभ मिलेगा और उसी के निमित्त अन्नकूट का आयोजन रखा गया। आपने 1 लाख रुपए विशेष रूप से दान किए, इसके बारे में बताएं। हम लोग भगवा माता मंदिर गए थे, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ धर्मशाला है, वहाँ पर कुछ लेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए हमने 1 लाख रुपए का दान देके वहाँ पे कुछ चीज़ों का निर्माण किया है। आपका नाम मनोज राठौर तेली।